देश का पहला एक्यूबेशन सेंटर नीति आयोग के सहयोग से स्थापित किया गया है और पिछली 4 जुलाई 2018 को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर मीडिया उद्यमशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उद्यमियों को समय समय पर मेंटरिंग करने की भी योजना है। सेंटर का संचालन संवाद भारती संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12B की मान्यता भी दी है। ये बहुत बड़े गौरव का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय को अब 12B की मान्यता मिल गई है। और इसके साथ ही अब विश्वविद्यालय भारत सरकार और UGC की ओर से उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले सब प्रकार के लिए अनुदानों के योग्य हो गया है। दूसरी एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ, जो नए विद्यार्थियाँ हैं उनको, कि भोपाल के बिशनखेड़ी में 50 एकड़ की भूमि में एक नया परिसर बन रहा है जो आवासीय परिसर भी है। यहाँ पर छात्र छात्राओं को छात्रावास की व्यवस्था में होगी, क्योंकि छात्राओं के लिए तो छात्रावास की व्यवस्था है अभी विश्वविद्यालय में, पर छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, उसके नाते कई विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शोधार्थियों के लिए हम अलग छात्रावास बना रहे हैं। प्रत्येक विभाग में अत्याधुनिक स्टूडियो की व्यवस्था होगी। हर विभाग में पुस्तकालय तो होगा ही, बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस और क्लिनिक, कैंटीन सब प्रकार की सुविधाएं परिसर के अंदर मौजूद रहेंगी।